आज हम बनाएंगे दाल ढोकली। तो दाल ढोकली बनाने के लिए हम सबसे पहले अरहर की दाल लेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसमें आने देंगे हम 7 से 8 विसल, जब तक कि दाल अच्छे से नहीं गल जाती है। इतने हम ढोकली के लिए आटे का डो लगा लेते हैं। आटा लेकर उसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, साथ में जाएगा गरम मसाला पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सख्त सा डो बना लेंगे। डो जो है वो हार्ड होना चाहिए, वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा डो तैयार हो गया है। इतने हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इसे पतली सी रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद हम कोई भी कैप या कोई भी ग्लास कुछ भी लेकर हम इस तरीके से गोल गोल काट लेंगे। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप में काट सकते हैं, आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेज में या नमक पारे के शेप में भी काट सकते हैं। काटने के बाद आप देखिए, हमें एक रोटी का पीस लेना है और इस तरीके से हमें ढोकली बनानी है। आप चाहें तो सिंपल ढोकली भी बना सकते हैं और आप इसे गोल भी रहने दे सकते हैं। ये देखिए, एक एक करके मैंने सारी ढोकली तैयार कर ली हैं। अब हम कुकर की लिड खोल के देखेंगे। दाल हमारी गल गई है। हम इसे स्पैटुला की मदद से थोड़ी देर इस तरीके से चलाएंगे। फिर मुझे इसके अंदर ऐड करना है पानी, और पानी के साथ मैंने इमली को भी भिगो कर रखा था, उसका पानी भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब जो मैंने ढोकली बनाई थी वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। पानी हमने ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि ढोकली इसमें पकेगी। और बस, अब आप देख सकते हैं ये उबाल आने लगा है। लगभग हम इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि ढोकली अच्छी तरीके से नहीं पक जाती है और सारा कच्चापन इसमें से नहीं निकल जाता है। आप देख सकते हैं दाल कितनी कम रह गई है और पककर गाढ़ी हो गई है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल गर्म किया है। जैसे ही ये गर्म होगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ज़ीरा, साबुत सूखी लाल मिर्च और उसके बाद चॉप्ड की हुई अनियन, और इसे हम सौटे कर लेंगे। हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये सभी साइड से अच्छे से ब्राउन हो, कहीं से कच्ची और कहीं से जले नहीं। आप देख सकते हैं हमारी अनियन जो है वो सौटे हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर देंगे। ये तड़का बनकर तैयार है। अब हम ये तड़का दाल पर लगाएंगे। सबसे पहले मैंने दाल को धनिया से गार्निश कर दिया है और ऊपर से जो हमने तड़का तैयार किया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आप देखिए दाल का कलर कितना अच्छा आया है, और ये हमारी दाल ढोकली जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आप भी दाल ढोकली की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।